काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था कि आप तो हर बार ही छठ के पहले बनाती हैं वीडियो, इस बार क्यों नहीं बनाती। बैरिकेडिंग का मतलब ही है कि आप उससे आगे ना जाएं। हम तो कहते हैं आप इससे भी आगे मत ही जाना, अपने परिवार वालों का और खास करके बच्चों का ना आप लोग खुद से ध्यान रखें। प्रशासनिक सेवा है, अच्छी बात है, लेकिन आप हाँ जी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना के दीघा घाट पे, ठीक है। तो बहुत सारा कमेंट्स हमारे पास आ रहा था कि आप अभी तक छठ घाट के बारे में नहीं बताई हैं, हर बारी आप जाती हैं छठ घाट के बारे में बताती हैं। तो हम चलो चलते हैं, आज 4 नवंबर हो गया है, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि ये है हमारा घाट और पूरी की पूरी बैरिकेडिंग लग चुकी है यहाँ पर, ताकि सुरक्षा के लिए, ताकि क्या ही बोलना है, सुरक्षा के लिए पूरी की पूरी लगाई गई है। मतलब कि ये बैरिकेडिंग का मतलब ही है कि आप उससे आगे ना जाएं। हम तो कहते हैं आप इससे भी आगे मत ही जाना। हेलो नमस्कार, मैं हूँ सुकृति पांडे और मेरे चैनल सुकृति पांडे पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है क्योंकि छठ है हमारा महापर्व, ठीक है, और बिहार के लिए तो ये सबसे बड़ा पर्व है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आ चुका है हमारा छठ पर्व, कल से नहाई खाई इसकी स्टार्ट हो जाएगी और कुछ इस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चालू हो चुकी है। वहां तक आप देख सकते हो पूरी की पूरी रंगोली। और हाँ, एक चीज और है कि जो रंगोली है ना, रंगोली के ऊपर आप देख सकते हैं कि दिए लगाए जा रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से दिए वगैरह लगाए जा रहे हैं। जब वो जलेगा तो सोच सकते हैं आपकी कितनी अच्छी लुक आएगी, ठीक है। यहाँ से लेकर उस साइड तक पूरा रंगोली बन रही है और रंगोली के थ्रू ही लिखा जा रहा है छठ पूजा, ठीक है। और बीच में जस्ट क्योंकि यहाँ से बैरिकेडिंग की हुई है तो हम लोग अंदर अभी नहीं जा रहे हैं, आपको बाहर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी हो रही है। वैसे तो देखा जाए तो आज 4 नवंबर हो चुका है, आज हम आए हुए हैं, काफी लेट हो गया आने में, और कल है 5, ठीक है। नहाई खाई से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, नहाई खाई लोहंडा, उसके बाद फर्स्ट अर्घ एंड सेकेंड अर्घ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब इतनी तैयारी अभी ही हो चुकी है तो कल से तो पूरा ये लाइट वेट लग के पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। हम लोग अभी कोशिश करेंगे उस साइड जाने की, क्योंकि हम लोग आते के साथ सबसे पहले इधर ही आ गए, उस साइड जाएंगे जहाँ मेन घाट है, अगर परमिशन होगी तो। वैसे तो देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं वहाँ पर। ये जो आप जस्ट मेरे पीछे देख रहे हैं ना, यहाँ पर शौचालय बनाया गया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। बहुत लोग आते हैं जो कि छठ घाट पर ही आके रुक जाते हैं 2-3 दिन के लिए, ठीक है, तो उनके लिए भी दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी जो यहाँ पर अर्घ के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। काफी बेहतर ये सारी सुविधा यहाँ पर दी गई है, बाकी सीसीटीवी कैमरे आपको बोल ही रहे हैं, लाइट्स वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रशासनिक सेवा आपको पूरी तरह से दी जा रही है। तो पता है ये मतलब यहाँ पर ना इतने दूर में इसे तैयार किया गया है, अभी हम लोग अभी तक घाट पे नहीं गए, ठीक है, हम लोग अभी इधर ही हैं। और अभी भी देखिए रेल जा रही है ऊपर से, रेलगाड़ी ट्रेन जो कह लीजिए, ठीक है, जा रही है। तो अभी आप देख सकते हैं इस फील्ड में, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला देखिए ऊपर लाइट लगा हुआ है ना, इस तरीके से ना जाने कितने सारे छोटे बड़े लाइट्स पूरा लगे हुए हैं। मतलब आपको ना रात बाद जो होता है ना, रात नहीं, एक तो हम लोग का सामने पड़ता है अर्घ, उस समय भी आपको लाइट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुबह वाले में भी काफी सुबह सुबह लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे भी क्या होगा कि आपको लाइट की चिंता नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पर हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब कुछ रहेंगे, ठीक, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। चलते चलते आपको दिखा दिए कि कितने बड़े पैमाने पे ये रेडी हो रहा है। और वहाँ पर वो जो आपको दिखाई दे रहे रंगोली वगैरह, वहाँ देखिए एक स्टेज भी है, नहीं होता है कि एक मंच तैयार किया जाता है जहाँ पर लोग कुछ बोल रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, तो अनाउंसमेंट वगैरह के लिए वहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ आपके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो आप वहाँ से अनाउंस कर सकते हैं, वो काफ़ी बेहतर है। साथ आयान के साथ ही हम आए हुए हैं, क्योंकि भाई ये घाट वाट पे ना जितना कोशिश कीजिए 2-4 लोग के साथ ही आने की, क्योंकि अभी शाम का टाइम भी कितना टाइम हो गया होगा आयान भाई, 5 बजने वाला है, ठीक है, तो हम सोचे कि चलो चलते हैं बना लेते हैं। हाँ हो गया तुम्हारा, चलो इधर से मिलेगा परमिशन, चलो निकलो। तो काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था कि आप तो हर बार ही छठ के पहले बनाती हैं वीडियो, इस बार क्यों नहीं बना रही है, क्यों नहीं बता रही है कि कैसा घाट रेडी हुआ है। तो हम लोग सोचे चलो भाई चलते हैं, एटलीस्ट 5 नवंबर को भी, सॉरी 5 नवंबर को भी, यानी कि 5 नवंबर को भी हम लोग इसको पोस्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं और ये देख लीजिए एक बार आप फील्ड देखिए, हमको तो आप डेली देखते हैं, फील्ड देखिए अभी छठ के लिए, ठीक है, ये कुछ रेडी हो चुका है भाई साहब। ट्रेन चलती है, मजा आता है। अभी भी हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना जेपी सेतु, अच्छा वही है भाई, हम लिटरली बता रहे हैं, हमको इधर का उतना नॉलेज नहीं है। चुप रहो यार, चुप रहो, फालतू मत बोलो। तो इधर हम लिटरली उतना नहीं आते हैं, जब भी आए हैं तो बस वही वीडियो के लिए फटाफट से आए, फटाफट से बनाए और फटाफट से भाग गए हैं, ठीक है, यही है हमारा। बट अभी आ गए हैं, चाहे आप लोग जिस भी घाट पर जाइए या जहाँ भी होंगे, ठीक है, हम अपनी साइड से यही आपको बोलना चाहेंगे कि अपना, अपने परिवार वालों का और खास करके बच्चों का ना आप लोग खुद से ध्यान रखें। प्रशासनिक सेवा है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग खुद से ध्यान दीजिए। और यही बोलना चाहेंगे कि वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय छठी मैया।